हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस किया था, ठीक है। फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है हमारी और चैप्टर 8 यानी कि यूनिट 8 मोशन चल रही है, ठीक है। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को काफी कुछ बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था सर इसाक न्यूटन के बारे में भी, उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया था। रेस्ट और मोशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उस पर वीडियो स्टॉप हो चुका था और आज के इस वीडियो में रेस्ट और मोशन के बारे में राहुल सर आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे। अगर नेसेसरी डायग्राम है तो वो भी आप लोगों को ड्रॉ करवाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ पुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी आंसर्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम, ठीक है। तो चलते हैं, लेट्स कम ऑन द टॉपिक रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन की बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। आप लोगों को मैंने बता ही दिया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था कि मैंने बताया था फिजिक्स की जो ब्रांच है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था फिजिक्स जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इसके आपको मैंने दो बताए थे, ठीक है। मैन जो है वो आपको मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, मोशन में है, और ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में, ठीक है, मोशन और रेस्ट, इसे क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स, ठीक है, डेट्स क्लियर। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्टेटिक्स, ठीक है, और आप लोगों के डायनेमिक्स, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, ठीक है, स्टेटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये आप लोगों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब मैंने आपको बोला था यदि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट कंडीशन में, तो वो बोलेंगे, ठीक है, एट रेस्ट, तो यानी कि उसे बोला जाएगा स्टेटिक्स। और मैंने आप लोगों से बोला था कि डायनेमिक में क्या होगा, ऑब्जेक्ट किस में होगा, एट मोशन, ठीक है, इन मोशन, तो यानी कि दोनों का कंबाइंड फॉर्म हो गया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को दो पार्ट में, स्टेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टेटिक्स यदि रेस्ट में है तो स्टेटिक्स, और मोशन में है तो डायनेमिक्स, ठीक है। आज के इस वीडियो में चलते हैं, ठीक है, आप लोगों को मैं बताऊंगा रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, एक्चुअलिटी में होता क्या है। अब तक आप सुनते ही आए हो, लेकिन अब आप देखोगे भी, ठीक है, और डिटेल से समझना कि होता क्या है रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन को समझने के लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को इसको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को लिख सकता हूं या बता सकता हूं कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं टू, ठीक है, आप लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा टू अंडरस्टैंड, ठीक है, STANDED, ठीक है, क्या लिखवाया राहुल सर ने, टू TO, ठीक है, अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड, एक सेकेंड लिखिएगा, टू अंडरस्टैंड, UNDER STANDED, ठीक है, समझने के लिए किसे, जो रेस्ट और मोशन की मीनिंग है, ठीक है, मीनिंग MEANING, मीनिंग्स ऑफ, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है, कि जो रेस्ट एंड मोशन है, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन को समझने के लिए आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं, ठीक है, थ्रू एन एग्जांपल, ठीक है, आगे लिखिएगा थ्रू THROUGH, थ्रू द फॉलोइंग, ठीक है, थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, EXAMPLES, ठीक है, फुल स्टॉप। तो राहुल सर ने क्या लिखवाया, टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन थ्रू द टू थ्रू THROUGH थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, लिखिएगा एग्जाम्पल्स, ठीक है, ABCD करके लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब जैसे एक बॉय क्लास रूम में बैठा है तो क्या लिख सकते हैं, अ बॉय, ठीक है, सिटिंग SITING, सिटिंग, ठीक है, इन, कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है, इन द क्लास रूम, ठीक है, यानी कि इन द क्लास रूम। अब क्लासरूम यानी कि लड़का जब क्लासरूम में बैठा है तो इसका मतलब क्या है, लड़का जब क्लासरूम में बैठा है तो इसका मतलब है वो किस पोजीशन में, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। तो कई सारे एग्जांपल है, ऐसा नहीं है, आप भी बना सकते हो, ठीक है। ए ट्री, TREE, ट्री ON द ग्राउंड, ठीक है, GROUND। अब ए ट्री ऑन द ग्राउंड, ठीक है, मैंने ये लिखा है ऑन, ठीक है, इसका मतलब ये ऑन है, ठीक है, यानी कि ये जो पेड़ है ग्राउंड पर वो रेस्ट में भी है और मोशन, दोनों कंडीशन में हो सकता है। अगर मूविंग विंड है तो वो मोशन कंडीशन में, अगर हवाएं नहीं चल रही है तो वो रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। अगला लिख सकते हैं ए मैन
स्लीपिंग SLWPING, ठीक है, स्लीपिंग ऑन द बेड, ठीक है, पलंग पर लेटा हुआ आदमी, ठीक है, डी लिखे आप, ठीक है, ये भी आप लोगों के रेस्ट कंडीशन में आ गया, ठीक है। ए टेबल, ठीक है, इन ऑफिस, ठीक है, लिखिएगा ऑफिस OFFICE, ठीक है, जो ऑफिस में टेबल है, ठीक है, ठीक है, ए टेबल इन ऑफिस। फिर आप और भी एग्जांपल है, जैसे स्कूल बस का ले लीजिए, जैसे हमारे स्कूल की बस है, स्कूल बस, ठीक है, मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, लिखिएगा मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, ये भी एग्जांपल है, ठीक है। और भी कई सारे हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल आप लिख सकते हो, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द बैंक लिख सकते हो, ठीक है, टैंक लिख सकते हो, ठीक है, वाटर, ठीक है, फ्लोइंग FLOWING, फ्लोइंग, ठीक है, किससे फ्लो रहा है, फ्रॉम द टैंक, यानी कि टैंक से फ्लो रहा है, ठीक है, तो वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द टैंक, टैंक से फ्लो होता हुआ वाटर, ठीक है। और जैसे लड़का दौड़ रहा है तो ए बॉय, ठीक है, ए बॉय रनिंग RUNNING, रनिंग, ठीक है, ऑन द प्ले ग्राउंड, ठीक, खेल के मैदान पे, प्ले ग्राउंड, ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल है। तो ये जो एग्जाम्पल दिए राहुल सर ने आप लोगों को, इन एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रेस्ट और जो मोशन होता है उसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब एक्चुअलिटी में आइए, यानी कि बताना क्या चाह रहा हूं कि रेस्ट क्या है, मतलब इन एग्जाम्पल से आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल दिए गए इनसे क्या पता चला है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो टाइम के रेस्पेक्ट में जा रहे हो, कुछ अपनी पोजीशन पे हैं, ठीक है, ये जैसे ट्री ऑन द ग्राउंड, ये अपनी पोजीशन पे, बॉय सिटिंग इन द क्लासरूम, लड़का बैठा हुआ है तो ये अपनी पोजीशन पे है, ठीक है। आगे देखिए, मैन स्लीपिंग ऑन द बेड, जो पलंग पर आदमी सो रहा है तो यानी कि वो मूविंग कंडीशन में क्या, नहीं, वो स्टेशनरी कंडीशन में, ठीक है। वाटर फ्लोइंग, ये मूविंग कंडीशन में। ए टेबल इन ऑफिस, ऑफिस में रखी हुई टेबल, ठीक है, ये रेस्ट, आपके रेस्ट कंडीशन में। अब जैसे वीडियो में आप देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पर मैं मार्कर से लिख रहा हूं, ठीक है, तो मेरा हैंड मूविंग कंडीशन में, लेकिन ब्लैक बोर्ड तो अपनी जगह है कि भाग रहा है, कहीं नहीं भाग रहा ना, यानी कि ये ब्लैक बोर्ड कैसा हो गया, नॉट मूविंग, यानी कि रेस्ट कंडीशन में हो गया, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में हो गया, ठीक है। जैसे आपके स्कूल बस मूव कर रही है, रनिंग कंडीशन में हो गया, रनिंग बॉय रनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, ठीक है, ये मोशन कंडीशन में। तो यानी कि इन एग्जांपल से हम क्या समझ सकते हैं कि जो यहां लिखिए आप एरो लगा करके, फ्रॉम अबव एग्जांपल्स, ठीक है, फ्रॉम अबव एग्जांपल्स, EXAMPLES, ठीक है, इन ऊपर दिए गए एग्जांपल से, मैं अपनी लैंग्वेज में ही लिखवा रहा हूं इसे, टोटली अपनी लैंग्वेज में, फ्रॉम अबव एग्जांपल, इन ऊपर दिए गए एग्जांपल से वी सी डेट, हम क्या देखते हैं, वी सी डेट, हम देखते हैं कि सम, ठीक है, आप लिखिए, बॉडीज लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, तो सम बॉडीज, BODIES, ठीक है, बॉडीज ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या लिखवाया, फ्रॉम अबव एग्जाम्पल्स वी सी डेट, हम देखते हैं कि सम बॉडीज, यानी कि कुछ जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आर मूविंग, जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, आर मूविंग, ठीक है, कहां से मूव कर रहे हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर प्लेस, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी कि स्कूल बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में जा रही है ना, ऐसा तो नहीं है सेम टाइम पे दोनों जगह जा रही है। जैसे लड़का दौड़ रहा है प्लेग्राउंड में, तो प्लेग्राउंड मान लीजिए ये प्लेग्राउंड है, ठीक है, ये मैंने ले लिया प्लेग्राउंड, ठीक है, ले लिया, और ये प्लेग्राउंड में ये लड़का यहां है और इसे जाना है एक तो यहां और एक जाना है यहां, तो एक ही टाइम में दोनों जगह पहुंच जाएगा कि वो पहुंच जाएगा क्या, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, आगे देखिएगा अनोदर प्लेस, ठीक है, वन प्लेस टू अनोदर प्लेस लिखा आप लोगों ने, ठीक है, और किस पे रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये सब कुछ थ्योरी आप लोगों को लिखनी है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये थ्योरी आप लोगों को लिखनी है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डेट्स क्लियर, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो रही मूविंग वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो थ्योरी थी मूविंग वाले ऑब्जेक्ट,
अब जैसे बॉय सिटिंग कर रहा है, ठीक है, मैन स्लीपिंग कर रहा है, ठीक है, ट्री एक जगह है, तो इनके लिए क्या लिखेंगे, सम ऑब्जेक्ट्स, आगे लिखिएगा सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हैव फिक्स्ड देयर, हैव, ठीक है, फिक्स्ड, एफ आई एक्स ई डी, फिक्स्ड देयर, टी एच ई आई आर, ठीक है, हैव फिक्स्ड देयर पोजिशन, यानी कि वो अपनी पोजिशन पे है, ठीक है, हैव फिक्स्ड देयर पोजिशन, ठीक है, फुल स्टॉप, अपनी पोजीशन पे है। तो इससे क्या होगा, ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जगह में चेंज होना, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या डिफाइन करता है, रेस्ट और मोशन को, ठीक है ना। आगे लिखिएगा दिस चेंज, ठीक है, दिस टी एच आई एस, दिस चेंज सी एच एन जी, ठीक है, क्या लिखवाया, आगे लिखिएगा दिस फुल स्टॉप का, दिस चेंज, ठीक है, इन लिखा, दिस चेंज इन, ठीक है, जगह में चेंज होना, इन प्लेस, ठीक है, यानी कि जगह में चेंज होना, विद रेस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू, डब्ल्यू का मतलब विद, आर का मतलब रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, टाइम, ठीक है, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रही है, तो डिफाइंस, ये क्या डिफाइन करता है, ठीक है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, रेस्ट और मोशन को, ठीक है, द टर्म ऑफ रेस्ट, ठीक है, एंड मोशन, ठीक है, दैट्स क्लियर, फुल स्टॉप। तो देख लीजिए राहुल सर ने क्या लिखवाया, तो फ्रॉम अबव एग्जांपल्स वी सी दैट, हम देखते हैं सम बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड सम ऑब्जेक्ट्स हैव फिक्स्ड देयर पोजीशन, फुल स्टॉप का लिखवाया, दिस चेंज इन प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन्स द टर्म ऑफ रेस्ट एंड मोशन, यानी कि ये रेस्ट एंड मोशन वाली टर्म को डिफाइन करता है। अब आगे हेडिंग डालिए रेस्ट, ठीक है, रेस्ट क्या है, ठीक है, एक लाइन का गैप दे देना मोशन के बाद, मोशन के बाद एक लाइन का गैप दे करके हेडिंग डालिए रेस्ट, कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी रेस्ट में, कहने का मतलब क्या है कि उसकी पोजिशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो एक जगह बैठ करके मोबाइल हाथ में लेकर के ही तो देख रहे हो, तो यानी कि आप रेस्ट कंडीशन में हो, तो यानी कि उसे क्या बोला जा सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी अनोदर है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी को रेस्ट में बोला जा सकता है। तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी, ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में इसलिए बोल सकते हैं, इफ इट डज नॉट चेंज, यानी कि उसकी क्या चेंज नहीं होती है, इट्स पोजिशन, यानी कि इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, उसके जो चारों तरफ, या बोल सकते हैं माहौल के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से। तो आप लिखिए अ बॉडी, ठीक है, डेफिनेशन है ये, ठीक है, डेफिनेशन लिखवा रहे हैं राहुल सर, अ बॉडी इज सेड टू बी, ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी, ठीक है, एट एट रेस्ट, ठीक है, क्या लिखवाया, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी को रेस्ट में तभी बोला जा सकता है, ठीक है, इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट, आगे लिखिएगा इफ, यदि इट डज नॉट, ठीक है, डज नॉट चेंज सी एच ए एन जी ई, ठीक है, इट डज नॉट चेंज, ठीक है, उसकी क्या चेंज नहीं होती, इट्स पोजिशन, ठीक है, इट्स पोजिशन पीओ एस आई टी आई ओन, ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, आगे लिखिएगा टू एट्स, ठीक है, क्या लिखा आपने, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, टू इट्स सराउंडिंग्स, बोल सकते हो एस यू डबल आर ओ, ठीक है, यू एन डी आई एन जी, ठीक है, इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है, पोजीशन टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है, या फिर कहने का मतलब ये उसके चारों तरफ वाला माहौल हो गया, या बोल सकते हैं, ठीक है, ऑल्सो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ऑल्सो विद, ठीक है, रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स क्लियर, रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में तभी बोल सकते हो जब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल दिए ही थे, ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल नीचे, ठीक है, एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है, अ बॉय सिटिंग इन द क्लासरूम, लिख सकते हैं अ बॉय, ठीक है, सिटिंग
इन द क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम, डेट्स क्लियर, ठीक है, बॉय सिटिंग इन द क्लासरूम, ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, स्टोर्ड वाटर इन द टैंक, ठीक है, स्टोर्ड STORED, स्टोर्ड वाटर, ठीक है, आपके घर में टैंकर होगा, ठीक है, टैंकर होगा, उसके अंदर जो पानी स्टोर है वो भी तो एक जगह ही है, स्टोर्ड वाटर इन टैंक, ठीक है, एक्सेट्रा, डेट्स क्लियर, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखवाए, ए बॉय सिटिंग इन द क्लासरूम स्टोर्ड वाटर इन टैंक, और भी है, अ ट्री ऑन द ग्राउंड है, मैन स्लीपिंग ऑन द बेड है, ये भी, ये दोनों एग्जाम्पल भी किसके हैं, रेस्ट के हैं, ये दोनों यानी कि बी और सी एग्जाम्पल किसके, रेस्ट के हैं। आगे आ जाइए, आप लोगों को पढ़ाते हैं मोशन, ठीक है, चलिए जी, अगला लिखिए मोशन, MOTION, ठीक है, सेम डेफिनेशन है, ठीक है, सेम डेफिनेशन है, करना क्या है, तो ए बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट कर देंगे, ठीक है, और डज नॉट हट जाएगा, तो इसमें लिखिएगा अ बॉडी इज सेड, ठीक है, टू बी एट, क्या लिखा, अ बॉडी इज सेट टू बी, ठीक है, एट की जगह आप कर दीजिए आप इन, ठीक है, इन मोशन, ठीक है, एक बॉडी को आप मोशन में तभी बोल सकते हो, कब बोल सकते हैं, इफ इट चेंजेज इट्स पोजिशन, ठीक है, इफ इट चेंजेज, CHANGES, चेंजेज, ठीक है, इट्स पोजिशन, ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखवाया, अ बॉडी इज सेट टू बी, ठीक है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजिशन, यदि उसकी पोजिशन क्या हो, चेंज हो जाए, चेंज हो जाए विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग या विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट, RESP से रेस्पेक्ट टू, ठीक है, क्या लिखा, पोजिशन, विद रेस्पेक्ट टू, आगे देखिएगा इट्स, ठीक है, सराउंडिंग SUROUND, ठीक है, ING, ठीक है, और, ठीक है, इट्स सराउंडिंग और, ठीक है, ऑल्सो क्या लिखोगे, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये कंप्लीट आप लोगों के, तो देख लीजिएगा, मैं लिखवाया मोशन, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, ठीक है, एक बॉडी जिसे मोशन में तभी बोला जा सकता है इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन, यदि वो अपनी पोजिशन चेंज कर दे, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के माहौल के हिसाब से, और ऑल्सो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मैंने आप लोगों को रेस्ट और मोशन के एग्जाम्पल, उनकी डेफिनेशन के बारे में बताया था, ठीक है, ये हो गया आपके मोशन, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऊपर लिखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा, ए कार, ठीक है, मूविंग ऑन द रोड, मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, एक कार जो है वो मूविंग कर रही है रोड पर, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ए बॉय रनिंग वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द टैंक लिख सकते हो, ठीक है, वाटर, ठीक है, फ्लोइंग फ्रॉम टैंक, ठीक है, एक्सेट्रा, डेट्स क्लियर। तो देखिए, एक कार, क्या लिखा, एक कार मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, कॉमा वाटर फ्लोइंग फ्रॉम टैंक, तो ये आप लोगों के एग्जाम्पल हो चुके हैं, ठीक है, अब आप देखिएगा जो आपके रेस्ट और मोशन है ना, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूं, एक लाइन का गैप दे दीजिएगा टैंक के बाद एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालें, ठीक है, रेस्ट, ठीक है, एंड मोशन, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन, क्या लिखिए हेडिंग, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, RELATIV, रिलेटिव टर्म्स, ठीक है, TERMS, ठीक है, जो रेस्ट और मोशन है वो एक दूसरे से क्या, रिलेशन रखती हैं, मतलब एक दूसरे की रिलेटिव है, वो कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये कोई व्यक्ति, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, चलो जी, अब इधर खड़ी है कोई कार, ठीक है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई कार है, ये व्यक्ति अभी किस पोजीशन पे है,
रेस्ट पे, किस पे है रेस्ट, यानी कि स्टेशनरी पोजीशन पे, STATION A, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी हलचल नहीं है। व्यक्ति रेस्ट कंडीशन में, ध्यान से समझना क्या बताना चाह रहा हूं, रेस्ट कंडीशन में ये जो कार है ये कैसी कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में। अब आप देखिएगा अभी कार और ये व्यक्ति, यानी कि ये मैन एक पर्सन है और ये कार है, दोनों अलग अलग है, ये रेस्ट कंडीशन में, ये मूविंग कंडीशन में, ठीक है। अब थोड़ी देर कार आके इस व्यक्ति के पास रुकती है या ये व्यक्ति इस कार के लिए लिफ्ट मांगता है। अब देखिए थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्या आ जाती है निकल करके, ठीक है, सिचुएशन आती है आप लोगों के, देखिएगा सिचुएशन ये आ जाती है कि इस कार के अंदर कौन बैठ गया, ये पर्सन, ठीक है, बैठ गया ये पर्सन। अब कार तो है मूविंग कंडीशन में, अगेन कार चल देती है और मूविंग कंडीशन में, तो ये व्यक्ति किसके रेस्पेक्ट में हो गया, अब कार के रेस्पेक्ट में, आया समझ में कुछ। पहले तो व्यक्ति खड़ा था रेस्ट कंडीशन में, कार अलग थी मूविंग कंडीशन में, व्यक्ति ने इसको हाथ दिया, कार रुकी और ये व्यक्ति इसमें चढ़ गया। आगे देखिए चढ़ने के बाद क्या पोजीशन बनती है, व्यक्ति इसमें बैठ गया, अब कार दोबारा चलने लग गई, तो व्यक्ति तो अपनी जगह ही बैठा हुआ है लेकिन कार किसी कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में। तो ऐसे में क्या होगा कि एक व्यक्ति जो कार में बैठा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको फॉलो करेगा वो, यानी कि वो व्यक्ति क्या है, ही इज इन मोशन, वो अ पर्सन इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। आउटसाइड जो ऑब्जेक्ट देखेंगे जैसे इसको यहां पर क्या दिखेगा, ये ट्री दिखेगा, ठीक है, ये ट्री हो गया, ठीक है, यहां पर और कुछ दिखेगा, तो इनके रेस्पेक्ट में इस व्यक्ति को, जैसे यहां पर ये ट्री है, ठीक है, और यहां पर कुछ और है, जैसे पॉन्ड्स है, तालाब है, तो ये तालाब भरे हुए हैं इस तरीके से, तो ये तालाब दिखेगा यहां पर, तो इनके रेस्पेक्ट में ये व्यक्ति क्या है, आउटसाइड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, लिखिएगा आगे, कंटिन्यू कीजिएगा, क्या लिखा आप लोगों ने, मैंने हेडिंग तो डलवा दिया आप लोगों को, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इसमें लिखिएगा देयर इज नो बॉडी, ठीक है, आगे लिखिएगा देयर, THER, देयर इज नो बॉडी, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा, क्या लिखा, देयर इज नो बॉडी, ठीक है, इन द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, इन द फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि डेट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे संसार में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस फिजिकल वर्ल्ड में कि वो क्या है, एब्सोल्युटली रेस्ट हो, यानी कि बिल्कुल वो रेस्ट पोजीशन पे हो, ठीक है, इस मतलब कोई भी बॉडी नहीं है इस पूरे फिजिकली वर्ल्ड की बात करें कि डेट के बाद लिखें इज, ठीक है, एट, आगे लिखिएगा इज एट, ठीक है, यानी कि एब्सोल्युटली रेस्ट, ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि वो क्या हो, एब्सोल्युटली किस में हो, रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है, लिखिएगा ABSOLUTELY, ठीक है, यानी कि एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब है मतलब पूरे ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, एब्सोल्युटली रेस्ट, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, आगे लिखिएगा, ठीक है, यानी कि एक बॉडी यदि रेस्ट में है, ठीक है, इफ अ बॉडी, आगे लिखिएगा इफ अ बॉडी, ठीक है, इज एट रेस्ट, ठीक है, इज एट रेस्ट, ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, इन वन सिचुएशन की बात करें, ऐसा ही TUATION, ठीक है, यानी कि कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है, अगर एक सिचुएशन की बात करें, ठीक है, इन अदर सिचुएशन, अगर दूसरी तरफ बात करें, इन अदर सिचुएशन, SITUATION, अगर दूसरे सिचुएशन की बात करें, ठीक है, इज इन मोशन, ठीक है, आगे लिखेगा एट इज इन मोशन, ठीक है, फुल स्टॉप। यदि बात करें यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एक सिचुएशन, तो दूसरी सिचुएशन में क्या हो गई, वो मोशन कंडीशन में हो गई, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये, अगर एग्जाम्पल ले हम किसी व्यक्ति कोई कार में बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आगे लिखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये लिख लिया आपने, एक लाइन मोशन के बाद एक लाइन का गैप दे करके एग्जाम्पल लिखे
ए पर्सन सिटिंग, ये सब कुछ थ्योरी लिखनी है आप लोगों को, ठीक है। जो जो बोर्ड बोर्ड पर मैं लिखवा रहा हूँ, एक एक वर्ड आप लोगों का चेक करूंगा मैं, एक एक वर्ड आपको, एक एक सेंटेंस चेक करूंगा। ए पर्सन सिटिंग, ठीक है, एक व्यक्ति जो किसमें सिटिंग है, किसमें सिट है, वो मूविंग कार के अंदर, सिटिंग इन अ मूविंग कार, ठीक है, वो एक चलती हुई कार में बैठा हुआ है। तो ए पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग कार, ठीक है, अगर वो बैठा हुआ है उसमें तो इज एट रेस्ट, ठीक है, वो बैठा हुआ है तो वो कैसी कंडीशन में, वो रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू किसके, अगर वो व्यक्ति उस कार में बैठा हुआ, चलती कार में, लेकिन वो खुद व्यक्ति तो रेस्ट में है ना, कार चाहे चलती रहे, कार से मतलब नहीं है, कार चलती रहे, वो खुद तो रेस्ट में है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू आगे लिखिए, विद रेस्पेक्ट, ठीक है, टू किसके रेस्पेक्ट में बैठा हुआ है, वो आगे देखिएगा, द सीट, उसकी सीट के रेस्पेक्ट में, एंड, ठीक है, आगे लिखिएगा, टू द सीट एंड, आगे देखिएगा, फेलो, एफ ई डबल एल ओ डब्ल्यू, फेलो, देख, और किसको फेलो करेगा, ठीक है, पैसेंजर्स, ठीक है, पी ए डबल एस ई एन, पैसेंजर, जी ई आर एस, ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, पैसेंजर्स को वो फेलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन आगे देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बट ही इज इन मोशन, ठीक है, बट ही इज इन, ठीक है, मोशन, ठीक है, वो मोशन में, ठीक है, ही इज इन मोशन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद, ठीक है, आगे लिखिएगा, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में तो है वो, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट, आउटसाइड द व्हीकल्स, ठीक है, लिखिएगा आउटसाइड, ठीक है, द आउटसाइड द व्हीकल्स, वी ई एच आई सी एल ई एस, ठीक है, ठीक है, आउटसाइड द व्हीकल्स, यानी कि लाइक, जैसे माइलस्टोन है, ठीक है, आगे लिखिएगा, लाइक एल आई के, लाइक माइल एम आई एल ई, माइल स्टोन एस टी ओ एन ई, ठीक है, माइल स्टोन एक्सेट्रा, ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, लाइक लिख दिया, माइल स्टोन, बहुत अच्छी बात। आगे देखिएगा, रेस्ट एंड मोशन में रिलेटिव टर्म्स कैसे, मैंने आप लोगों को बताया था, देयर इज नो बॉडी इन द फिजिकल वर्ल्ड डेट इज एट एब्सोल्युटली रेस्ट फुल स्टॉप, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इन वन सिचुएशन और इन अदर सिचुएशन, ठीक है, इट इज इन मोशन, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है एक पर्सन का जो मूविंग कार में बैठा हुआ है, कार रेस्ट कंडीशन में विद रेस्पेक्ट टू, मतलब कार तो क्या मूविंग कंडीशन में, और वो व्यक्ति सीट के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में, तो वो क्या कर रहा है, ही इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड द व्हीकल्स लाइक माइलस्टोन। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको आज की वीडियो में कोई डाउट है, क्वेश्चन टॉपिक्स में डाउट है, लास्ट की वीडियो में डाउट है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।